मैं कुछ पहले मनी प्लांट की वैरायटी दिखाऊंगी आपको और फिर छोटा सा अपना गार्डन ओवरव्यू दिखाऊंगी। और ये मेरे कुछ मनी प्लांट्स हैं 5-6। और ये देखिए ये माइकेंस है, ये देखना रेड, हल्की हल्की रेडिस है इसमें, और ग्रीन डार्क ग्रीन है, कितना छोटी पत्तियाँ हैं इसमें, ये पॉइंटेड, तो कितना प्यारा है ये, और ये बहुत सुंदर है। और ये एंजॉय है, ये भी देखना कितना प्यारा है, वेरीगेटेड है, कितना प्यारा मनी प्लांट है। और एक ये है मेरा, इसको सिल्वर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें ना ये बारीक सी जो लाइन होती है सिल्वर कलर की, इसलिए इसको सिल्वर पोथोस कहते हैं। और एक ये है, ये न्योन वैरायटी में आता है, ये हल्के कलर की होती है, थोड़ा पीले उसमें और हल्का सा ग्रीन कलर होता है, ये भी बहुत सुंदर होती है, सबसे सुंदर होती है। और एक ये मैं दिखाऊंगी, ये तो नॉर्मली है जो हर घर में मिल जाती है इस तरह की है। और एक मेरे पास ये है, ये छोटी सी वेरीगेटेड, ये भी सुंदर लगती है, गमले में भर जाता है तो गमला बहुत प्यारा लगता है, इसमें भी जब गमला भर जाता है तो बहुत सुंदर लगता है, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं लिप्स, और ये गमले में ज़्यादा बाइन नहीं फैलती इनकी, मगर ये फिर भी ये बहुत सुंदर लगती है छोटी छोटी। ये 5-6 कलर की है मेरे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है नॉर्मली, और ये वेरीगेटेड है, और एक ये न्योन पोथोस है, और ये एंजॉय है, और एक ये है माइकेंस, सुंदर सी है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी और प्लांट्स दिखाऊंगी। ये मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी क्रोटॉन, और ये वेलवेट स्पाइडर, इस पर पर्पल कलर का फूल आता है, और ये सिल्वर, बहुत सारी कटिंग लगाई छोटी छोटी। और ये वेंडिंग जू है, दो तरह के हैं मेरे पास वेंडिंग जू। और ये हमारा ये जो ब्लडिंग हार्ट होता है, इसके ब्लडिंग तो निकल गए मगर ये खाली छोटे छोटे ये फ्लावर रह गए। और ये देखिए पान की बेल कितनी सुंदर है, जब से मेरे घर में आई है इतना अच्छा सरवाइव कर रही है, यहाँ तक वो छोटी सी लाई थी मैं इसको 50 रुपए की, अब ये इतनी लंबी आ गई है बिना स्टिक के। और ये देखना ये कितना सुंदर है, ये स्नेक प्लांट, ये हाइब्रिड वैरायटी का, कितना प्यारा है। ये मनी प्लांट, ये सेंचवेरिया है, पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती है। और ये भी ये देखो छोटी वैरायटी है मिनीचर, ये पार्लर पाम है, ये कितना सुंदर है। और ये देखना ये छोटी छोटी पत्तियाँ हैं इसकी, और छोटे रंग का सफेद फूल आता है बिल्कुल बारीक, अभी ये खिलेगा बहुत सुंदर लगता है, अब बारीक लंबी लंबी पत्तियाँ, ये उड़िया है, ये उड़िया प्लांट। और ये मैंने एक स्ट्रॉबेरी का ख़रीदा था, अगर हम अभी से स्ट्रॉबेरी का ख़रीद लेते तो ये झाड़ों में जल्दी से ये फ्रूटिंग पे आ जाता है, ये जो है अच्छे से ये फ्रूट दे देता है और ये फैल जाता है। और ये एक मेरा ये भी मैंने बाय किया था, ये है फॉक्स टेल, कितनी प्यारी है, जैसे फॉक्स की टेल होती सेम उसी है, अच्छा ग्रीनरी देता है, ये अच्छा ग्रीन कर देता है गार्डन को। और ये मेरे 2-3 तरह के ये बैकबोन है, डेविल्स बैकबोन। एक ये है, ये वेरीगेटेड है, ये नॉन वेरीगेटेड है, और एक ये अलग है छोटी छोटी पत्ती हुआ, ये काफ़ी महंगा पड़ता है, सुंदर। और ये मेरा पीस लिली है, इस पर भी ये विंटर में आएंगे, इस पर फ्लावरिंग करेगा। और ये छोटे छोटे कलेड उसके कैलेडियम के हैं सुंदर से, अभी ये भी छोटे छोटे लगाए हैं मैंने कहीं से लेके, और छोटे छोटे पप्स हैं ये देखो उसके, ये देखो ये स्नेक प्लांट के जो डॉर्फ वैरायटी का होता है मिनीचर में, ये छोटी छोटी कटिंग लगा रखी है मैंने, ये देखो इस पर भी फूल आते हैं, इसी की पत्तियाँ कितनी सुंदर है, ये सब मेरी कटिंग्स हैं, ये चल पड़ी हैं, अभी 8-10 दिन पहले लगाई थी, ये सारी चल पड़ी हैं ये। अरे ये गोल्डन नहीं सिल्वर। और एक ये कितनी सुंदर पत्तियाँ हैं इसकी, ये देखना। और ये मेरा जरवेरे का है, ये विंटर में भी फ्लावरिंग करेगा और समर में भी करेगा, दोनों में करेगा, क्योंकि अभी अगर हम लगा लेते हैं तो ये विंटर में भी करेगा और समर में भी। और ये मैंने जो है ये बिनका लिए थे, तो बिनका की जो टॉप थी ऊपर फ्लावर वो निकाल के इसमें लगा दिए, क्योंकि ये भी फिर चल जाते हैं।
और ये मेरा ये क्रोटोन है, और ये मेरा डेंथस है, ये पिछले साल के हैं मेरे। और ये देखा ये मेरे कितने सुंदर चल रहे हैं, ये सब छोटे छोटे ये कटिंग लगा रखी है मैंने, और इस पर भी फ्लावर देता है, ये भी पर्पल कलर का। ये देखना ये फर्न है, और ये रेलिया है, और ये डॉर वैरायटी का है हवोर्थिया, कितना प्यारा है। और ये पत्थर छटा है, और ये हमारा ये टोर्निया है जो हमने पानी में लगाया था, पानी में अभी भी चल रहा है, फूल दे रहा है, मगर मेरा सोयल वाला सूख गया है, लेकिन ये अभी भी चला, इसकी लाइफ ज़्यादा है। और ये मैंने पिछले साल का ये डेंथस का है कटिंग लगाई थी, देखो कितनी अच्छी चल गई। और ये मेरा ये देखो ये प्लांट मेरा हैंगिंग बास्केट में है, अब पूरा कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। ये आगे से जो होता है ये पिंक कलर का होता है, जब नई लिप्स निकालता है पिंक होती है, और धीरे धीरे वेरिएटेड फिर ये डार्क होता है, ऐसे चला जाता है, और ये बड़ी तेज़ी से फैलता है, इसीलिए इसको छिपकली कहते हैं, ये कहीं भी चिपक जाता है, दीवारों पे भी अच्छा चलता है। और ये मेरा जीजी प्लांट है, छोटा सा कटिंग लगाई है मैंने इसमें, ये जो छोटा बेबी सनरोज होता है उसकी कटिंग लगाई है, और ये इतनी सारी कटिंग तैयार की है कि अगले साल मेरे बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे। और ये मेरा कॉक्सकॉम्ब है रेड कलर का, और ये मेरा मैक्सिकम पिटोनिया है वाइट कलर का, फूल इसके गिर गए हैं, और ये भी देखना मेरा कितने सुंदर है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं ये। और ये मेरा ये शंख पुष्पी का है, ये वाइट कलर की है, जो ये मेडिसिन प्लांट होते हैं, ये ऊपर तक चली गई। और ये एक मैंने इसमें ये तोरी की बेल लगाई है, और ये भी कितनी अच्छी चल रही है, इसमें तोरी भी लगी हुई है, देखना दिखाती हूँ अभी, अभी छोटा सा है मगर कितना अच्छा है। ये भी मैंने छोटा सा ही लगाया था, देखो कितना अच्छा चल गया, ये सारी कटिंग्स लगाई हुई, ये वाइट कलर का है। और ये मेरा स्पाइडर है, जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, अगर मैं धीरे धीरे बताऊँगी तो काफ़ी समय लग जाएगा, 2-3 घंटे निकल जाएंगे। और ये मेरा मिनीचर वैरायटी का है, ये देखना ये यूफोरबिया, और कितने सुंदर छोटे छोटे फूल आ रहे हैं इस पर, ये बाद में पिंक हो जाते हैं। और ये मेरा एरोक्विरिया है, ये देखो कितना सुंदर चल रहा है, यहाँ से कितने सुंदर सा लग रहा है, ये प्यारा सा। और ये भी देखना वेरीगेटेड पत्तियाँ होती है, ये कितनी सुंदर रहती है, ऊपर तो लाल रहती है और नीचे ग्रीन है, और ये देखना ये कितनी सुंदर सुंदर लिप्स है इसमें, ये भी कटिंग से लगाया। और ये है हमारा बेगम बहार, ये देखना इतना सुंदर फूल आता है पर्पल कलर का, और इसमें कितनी सारी कलियाँ बनी हुई है, छोटी 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 छोटी, ये सारी खिल जाएंगी। और ये मेरा सिलोसिया है, प्यारा सा सुंदर सा, ये देखना कितना प्यारा सा है, इसका कलर देखो कितना प्यारा है। अगर आप अभी विंटर में शुरू में ख़रीद लेते हैं तो आपको ये सारे विंटर फ्लोवर करेगा, और ये वैसे ये सीजनल होता है, और इसके बीज होते हैं ये नीचे सूखते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, और इसमें जमते रहते हैं, फिर हम इसको बीज को भी सेव कर सकते हैं, इनके अगले साल इसको लगा सकते हैं, तो हमारे पास ये सालों साल बने रहते हैं। और ये एक पिंक कलर का मैं मैक्सिकम पिटोनिया दिखाती हूँ, ये देखना इस पर कई सारे फूल खिलते हैं, कभी कभी आज एक ही खिला है, कल को कई सारे खिलेंगे इस पर, कितना सुंदर कलर है। मेरे पास वाइट भी है, पिंक भी है, और ये क्या होता है यार पर्पल कलर भी है, और ये तीनों मेरे पास ये मिनीचर वैरायटी के ड्वार्फ वैरायटी जो होती है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ एग जोरा का प्लांट, ये देखना ये भी एग जोरा का प्लांट है, और ये भी मिनीचर वैरायटी है, बहुत प्यारी सी है, छोटे छोटे फूल कितने सारे खिले हुए हैं, ये काफ़ी दिनों तक खिलते रहेंगे इस पर, ये सारे परमानेंट प्लांट है। और ये मेरा देखो गोल मटोल सा कितना छोटा सा प्यारा है सुंदर सा कैक्टस। और ये मेरा स्नेक प्लांट, ये भी ड्वार्फ वैरायटी का है छोटा सा, ये ऑक्सीजन प्लांट होते हैं जितने भी ये स्नेक प्लांट होते हैं, और हम एयर को जो है प्यूरीफाई करते हैं, तो ये भी लगाना बहुत अच्छा रहता है। और इसमें बेबी पप्स निकलते हैं छोटे, इनको डिवाइड करूँगी तो ये 2-3 बन जाएंगे मेरे, एक बार ले लेते हैं तो ये सालों साल हमारे बने रहते हैं, और ये महंगे ज़रूर मिलते हैं लेकिन हम एक बार ले लेते हैं तो ये हमारे गार्डन में हमेशा के लिए हो जाता है।
और ये मेरा देखना सिंगोनियम कितना प्यारा चल रहा, ये मैंने कटिंग से ही लगाया था। और अब देखो इनकी लिप्स देखो ना कितनी प्यारी प्यारी है, इसको भी एक बार लगा लो तो ये हमारे गार्डन में सदा के लिए बन जाते हैं। ये देखना कितने सुंदर सुंदर ग्रीन पत्तियाँ। और ये मेरा रियो प्लांट है, ये भी मुझे बहुत पसंद था, ये भी मैं कहीं से लाई हूँ। ये ऊपर से ग्रीन होता है और नीचे से कैसी पर्पल पत्तियाँ होती है सुंदर। ये मुझे छोटा अच्छा लगता है जब छोटा रहता है, जब बड़ा हो जाता है तो इतना अच्छा नहीं लगता है जितना छोटा अच्छा लगता है। और ये मेरा बिनगा का प्लांट, ये सीजनल होते हैं और ये सीजन में जैसे अभी हम ले लेंगे विंटर से पहले तो ये हमारे गार्डन में बने रहेंगे, सारे विंटर बने रहेंगे और अभी भी फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो मैंने तीन चार कलर, इसमें कई सारे कलर आते हैं, वाइट पिंक और कई सारे बहुत सारे कलर आते हैं, मेरे पास भी चार कलर के हैं। तो ये अगर आप बाय कर लोगे इसको तो ये सदा के लिए, ये भी हमारे पास ये हालांकि सीजनल रहते हैं मगर इसके जो ये सीड्स होते हैं इनको हम निकाल के दोबारा लगा सकते हैं। एक बिनका का ये है, ये अभी छोटा है फूल, बहुत सुंदर फूल है ये, ये भी ड्वार्फ वैरायटी का है। और ये ड्वार्फ का है और ये परमानेंट प्लांट होते हैं, एक बार लगा देते हैं, ये देसी होते हैं परमानेंट, एक बार लगा दिया तो हमारे गार्डन में सदा के लिए रहते हैं। और ये मेडिसिन प्लांट भी होते हैं, ये देसी वाले। और ये पर्पल का और ये वाइट का, ये मेरे पास परमानेंट प्लांट है और ये ड्वार्फ वैरायटी में होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ड्वार्फ वैरायटी के होते हैं लेकिन ये मेडिसिन प्लांट नहीं होते। एक ये है, ये अलग कलर का है, पिंक कलर का, ये अलग कलर का, एक रेड है, कई सारे कलर के हैं, ये सब मैंने अभी बाय किया है। एक ये है मेरा बिनका का, कितना सुंदर है। अच्छा एक मैं प्लांट दिखाती हूँ जिसमें छोटे छोटे पर्पल आते हैं, ये भी परमानेंट प्लांट है, एक बार ले लो तो हमारे गार्डन में बना रहता है। छोटी छोटी पिंक कलर के पर्पल कलर के फूल आते हैं ऊपर से, इन पर आजकल नहीं आ रहे। और ये क्रोटोन है, इसको भी एक बार लगा लेते हैं तो सदा के लिए हमारे गार्डन में बने रहते हैं। और ये हमारा, ये देखना ये चांदनी है, ये चांदनी कितनी चांदनी, ये पूरे में फैल रखी है, काफ़ी बड़ी बड़ी लीव्स आ गई इस पर, इतनी बड़ी बड़ी लीव्स है। और ये एक बार तो फ्लावरिंग कर चुकी, अभी आगे देखते हैं करती नहीं करती, जब अगर करेगी तो मैं आपको फिर दोबारा शेयर करूँगी। बिनका के मेरे पास देसी वाले कई सारे हैं। और ये गार्डन है जो इंद्रकमल भी कहते हैं और ये खुशबू वाला सुगंधराज भी कहते हैं इसको, ये काफ़ी अच्छे बड़े बड़े फूल देता है वाइट कलर के। अब इस पर शुरू हो जाएंगे, कलियाँ बननी शुरू हो गई, अब इस पर फ्लावर आने भी शुरू हो जाएंगे, बड़ा सुंदर खुशबू बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी महकता रहता है ये। और एक ये मेरा हेवी ड्वार्फ वैरायटी का है, ये गुड़ल हिबिस्कस, इसका फ्लावर का कलर इतना प्यारा होता है, पेड़ ये छोटा सा है लेकिन इस पर बड़े बड़े इतने बड़े बड़े फूल आते हैं, बहुत सुंदर लगता है और रोज़ फूल आते हैं इस पर, छोटे से पे इतनी कलियाँ रहती हैं इन पर, इतनी सारी कलियाँ रहती हैं इन पर खूब सारी और रोज़ खिलती रहती हैं। तो ये भी मुझे मेरा लविंग प्लांट है, बहुत सुंदर लगता है खूबसूरत। और ये ऑरेंज कलर का गुलाब है, ये देखो इस पर अभी काफ़ी सारे गुलाब आ गए लेकिन अब इस पर नए नए सूट्स निकल रहे हैं, इनमें फिर दोबारा से ये फ्लावर देगा तब मैं आपको शेयर करूँगी। ये भी सब परमानेंट है, एक बार लगा लो तो सालों साल बने रहते हैं। ये देसी है और ये मेरा पेरीगोल्ड गेंदा, इसमें भी कलियाँ बन रही हैं बट। और ये देखिए एक बार मैं दिखाती चलिए, मैक्सिकम पिटोनिया और एलोवेरा, ये देखो छोटे, ये टॉर्निया का एक मैंने कटिंग लगाई थी, ये चल गई है मेरी। ये मोगरा है, ये फ्लावरिंग कर चुका और ये सुंदर सा है, ये देखो पत्ती वाला। ये वनरिंग जो है दो तरह की है मेरे पास, और ये लॉन्ग वाला, ये टॉल वैरायटी का जो स्नैक प्लांट होता है, ऑक्सीजन प्लांट। और इसमें ये पप्स निकले आए, मैंने कटिंग करके इसको लगा दिया था और इसमें एक नया पप्स निकल गया, इसको अलग जो है अब इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। अरे अगेव है, अगेव कितना सुंदर है। और ये मेरे सब, ये मॉस रोज और ये मेरा हरसिंगार जो परिजात भी कहते हैं, अब इस पर फ्लावर शुरू हो जाएंगे, सारे विंटर चलेंगे और बड़े सुंदर छोटे छोटे फूल आते हैं खुशबू वाले, इस पर पूजा में भी काम आते हैं।
और ये मेरा ये गुलाब का ही है, वाइट गुलाब है, बड़ा सुंदर है। ये मेरे सेवंती के हैं, इनको लगाऊंगी दूसरे गमले में, काफ़ी फूल देता है ये भी। और ये मेरा कनेर है, ये ड्वार्फ वैरायटी का है। ये मैं अपने कॉलेज दिखाती हूँ, कितने प्यारे प्यारे कलर हैं। ये अलग है, ये लंबी पत्ती में, ये कितने वेरीगेटेड, कितना प्यारा है। और ये अलग है, ये दूसरा है, ये बिल्कुल टमाटर की तरह रेड मेहरून कलर, कितना प्यारा है, चमकीला और अंदर से रेड और बाहर से ये बॉर्डर लाइन कितनी अच्छी लगती है ग्रीन कलर की। और ये अलग है, ये देखो ये भी कितना प्यारा है, तीन कलर अंदर और बाहर से ये ग्रीन, और ये देखो कितना प्यारा है। और ये फिर से अगेन दोबारा आ गया, कितना प्यारा है ये कलर। थोड़े से किसी को हल्की धूप दिखा दो तो डार्क हो जाता है, और ये कम धूप में था तो ये थोड़ा लाइट है, कितना प्यारा है ये। और एक ये है मेरा, ये थोड़ा सा इसकी डिफरेंट है, इसकी लिप्स जो है काफ़ी डिफरेंट है। ये देखो ये लंबी लंबी सी यहाँ से है, और ये भी वेरीगेटेड है, ये देखो मैरून सा है, ये ग्रीन है, ये अलग है। और ये मेरा देखो ये मैरीगोल्ड, कितने प्यारे लड्डू कलर का, पीला कलर का, कितना सुंदर सुंदर लग रहा है ये। अब अगर आप बाय करना चाहते हो तो इस इनको भी कर लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर नर्सरी में आ गए हैं ये विंटर प्लांट। अगर अभी से आप लगाओगे तो ये सारी विंटर चलेंगे, और अभी से कितना फूल देंगे आपको। ये मेरा एग्लोनिमा है, ये थोड़ा पत्ता थोड़ा सा हो गया है इसका, इसका कुछ ट्रीटमेंट करूँगी। और ये कितना सुंदर, ये काफ़ी महंगा मिलता है, 350 का शुरुआत होती है, 350 का ये मेरा, कितना प्यार। ए मगर ऐसा एक बार ले लेंगे तो हमारे गार्डन में सदा के लिए, हमेशा के लिए बने रहेंगे। ये देखो इनकी जो ये छोटे छोटे पफ्स निकालते हैं, ये बेबी प्लांट, इनको हम डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं, नए गमलों में। तो ये फिर कई सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं हमारे। ये देखो ये कितना खूबसूरत है, ये मॉस रोज, ये ड्वार्फ वैरायटी का, ये इतना फूल देता है। और ये फूल ये ऑरेंज कलर के, ये दो दिन चलते हैं। ये पहली बार देखा मैंने ये वाला इस तरह का मॉस रोज, ये दो दिन तक फूल, एक फूल इसका दो दिन तक चलता है। ये देखो ये कल का है, ये आज के हैं, ऐसे आज और कल के ही हैं इसमें। और ये जरा सा गमला है, और कितने सारे फ्लावर है। ये मेरा सिंगोनियम फिर से आ गया, और ये मेरा बिनका है, ये देखो कितना रानी कलर का, कितना सुंदर प्यारा सा है। बड़े बड़े फूल हो जाते हैं, अभी तो आज ही खिले हैं इस पर, क्योंकि मैंने इसकी जब टॉप निकाल दी यहाँ से, कटिंग करके पिंचिंग कर दी, तो यहाँ से एकदम बड़ी तेज़ी से निकल के आए, बड़े सुंदर। अगर यहाँ से हम पिंचिंग कर देते हैं, अगर यहाँ से भी पिंचिंग कर देंगे तो ये और अभी फैलेगा, काफ़ी बूसी हो जाएगा, तो इनकी जो है पिंचिंग करनी ज़रूरी होती है। यहाँ से भी करूँगी मैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से मैंने कर दिए, तो ये देखो ये निकल के आ गया। अब बहुत तेज़ी से फैलता है, ये बहुत सुंदर प्लांट होता है। ये पिंक पर्पल है, ये देसी वैरायटी भी है, और एक इधर कोलियस इधर भी रखा है। और ये जो है ये कोई थाईलैंड की वैरायटी है, ये वो है मेरे पास रेन लिली, तो बहुत सुंदर है इसका कलर। अभी ये खिल के आएंगे ना ये कल को, तब बहुत सुंदर लगते हैं ये वाले। ये बाहर की है, ये रोजिया लिली कुछ कहते हैं इसको। और ये देखो ये प्लांट मेरा थोड़ा अलग है, मैंने तो पहली बार देखा है, इसको भी मैं बाय करके लगी। ये पहले तो ये फूल जो होता है जब निकलता है तो एकदम पर्पल डार्क होता है, ये दो कलर ले लेता है। और अब ये वाइट हो गया, पहले पर्पल निकलता है और फिर वाइट हो जाता है। ये फ्रांसी से आया है, ये पहली बार ही देखा है मैंने, नाम भी इसका पहली बार सुना, और ये नर्सरी में मैंने देखा, नया पेड़ नया प्लांट है, और मैं भी इसको बाय करके ले आई। कितना सुंदर फूल है ये सारे, अब ये विंटर में सारी विंटर खिलेगा। और इसका ये देखो ये एक बड़ निकली, ऐसी बड़ होती है इस तरह की। और ये मेरी तुलसी माता जी हैं, और कई सारी ये ब्लैक वाली जो श्यामा तुलसी होती है वो है, ये भी श्यामा तुलसी है। और ये मेरा ये फाइकस का है, और ये मेरा प्लांट बहुत सुंदर है। इसकी ये सॉफ्ट होता है, अगर हम इधर उधर रखते तो ये थोड़ी चोट सी खा गया। ये आप जो हम लाए थे ना, ये बहुत सुंदर था, लाने में ही ये इसको इस तरह का हो गया, ये बहुत इतना सुंदर कलर होता है इसका ये। और इस पर हाँ पत्ती तो सुंदर होती है, लेकिन इस पर फूल बहुत सुंदर आता है। अभी ये छोटा सा है, और अभी ये पीले रंग का होगा, फिर इसमें ये रेड कलर का होगा, फिर पीला सा एक छोटा सा फूल बनेगा इसके अंदर से।
बहुत प्यारा लगता है। इसका नाम नहीं पता मुझे, मैं भूल गई, उन्होंने बताया था मैं भूल गई। अगर आप नाम पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे पास कुछ वाटर प्लांट्स भी हैं, ये देखो, ये मैं सिर्फ एक लाई थी छोटा सा, ये वाटर कैवेज है, और ये मेरा ये कमल है, और ये एक कमल लाई थी 150 रुपये का, और सिर्फ 10 रुपये का ये लाई थी। इस 10 रुपये के कैबेज ने इतना बाहर मचा दिया कि पूरा टप भर गया है, और इसको भी मेरे कमल को दबा दिया, इसने 150 रुपये के कमल को 10 रुपये ने दबा दिया। अब इसको मैं दूसरा पॉट दूंगी, और इसको भी अलग निकालने पड़ेगा क्योंकि काफ़ी भर गया है, और कितना सुंदर लग रहा है। और ये 1.5-2 महीना हुआ होगा मुश्किल से, बरसात में इतना तेज़ी से फैला, ये बड़ा बड़ा, इतने इसमें ऐसी सॉफ्ट, ये देखो ये मोटी लीव्स हैं इसमें, और बड़ा प्यारा लगता है। एक करके दिखाती हूँ कितना सुंदर लगता है।